बॉलीवुड में यूं तो कॉमेडी फिल्में आज भी बनती हैं, लेकिन एक दौर था जब बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों में असल के हंसी के ठहाक हुआ एक रोलर कोस्टर चल निकलता था। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है साइबा खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड की थ्री। कॉमेडी के साथ हॉरर का डोज भी कई फिल्मकार दे चुके हैं, लेकिन डर के साथ हंसाने में सफल हुए हैं सिर्फ कुछ। ऐसे ही फिल्मों में शामिल है भूल भुलैया। अक्षय कुमार की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को कोई कैसे भूल सकता है। फिल्म में वो सब कुछ था जिसे देखने के लिए दर्शक थिएटर में जाते हैं। डर, ड्रामा, सस्पेंस और बहुत सारे हंसी के हसगुल्ले। फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन लीड रोल में थे। भूल भुलैया की सफलता के बाद अब इसका सीक्वल भी आ गया है। इस फिल्म में आपको तांत्रिक बने नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, जो खूबसूरत कियारा आडवाणी के अंदर घुसी चुड़ैल मंजुलिका को करेंगे भस्म। जी हाँ, फिल्म में इस बार अक्षय कुमार और विद्या बालन की जगह कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी नजर आने वाले हैं। फिल्म का ट्रेलर और टाइटल ट्रैक रिलीज हो चुका है। अब तक तो दर्शकों ने ट्रेलर और गाने पर खूब प्यार लुटाया है और अब इंतजार है फिल्म के रिलीज होने का। तभी तो पता चलेगा दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरेगी ये फिल्म। फिल्म में कियारा के अंदर मंजुलिका नाम की भूतनी प्रवेश कर लेती है और उसके बाद खुलते हैं ठहाकों के बड़े बड़े संदूक। वहीं मंजुलिका, जो इससे पहले विद्या बालन के शरीर में भी घुसकर दर्शकों को हंसी के रोलर कोस्टर पर हिंडोले खिला चुकी है, कियारा का विद्या बालन की जगह काम करना दर्शकों को कितना भाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब कियारा ने ये साफ कर दिया है कि वह किसी तरह किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रही है। कियारा ने ये साफ कह दिया है कि वे किसी के पहने हुए जूतों में पैर डालने की कोशिश नहीं कर रही हैं। उन्होंने अपना काम किया है और वह बस उसे ही मेहनत से करना जानती हैं। भूल भुलैया 2 के बारे में बात करते हुए कियारा ने बताया, फिल्म की स्टोरी बिल्कुल नई है, हमने बस पहली फिल्म की छाप इस फिल्म में रखी है, जैसे मंजुलिका का नाम। ये कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है बल्कि एक हॉरर कॉमेडी है जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में बातें की गई हैं। फिल्म के पहले पार्ट में विद्या बालन के जबरदस्त काम को लेकर कियारा क्या प्रेशर फील करती हैं, उस पर एक्ट्रेस ने बताया, ये फिल्म पहली फिल्म का रिमेक नहीं है और ना ही मैं वह किरदार कर रही हूँ जो पहले किया जा चुका है, ये सब कुछ नया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कियारा ने आगे कहा, मैं हमेशा से ऐसी फिल्म करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है इस तरह की फिल्म में एक फैमिली इंटरटेनमेंट होती है। आपको बता दें, अभी तक फिल्म का ट्रेलर और टाइटल ट्रैक दर्शकों को खूब पसंद आया है। अब देखना है फिल्म को दर्शक कितना प्यार देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।